थ्योरीज ऑफ डिमांड के बारे में हमें पता है हम डिफरेंट डिमांड पढ़ते हैं मैक्रो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, वो हम फिशर्स अप्रोच की बात करेंगे, और फिशर्स अप्रोच में हम दो वर्जन की बात करेंगे ट्रांजेक्शन वर्जन एंड इनकम वर्जन तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ मनी डिमांड की बात करें तो इसे हम थ्योरीज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं क्यों क्योंकि हमें पता है कि जब मनी डिमांड इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि प्राइजेज इंक्रीज हो जाते हैं और प्राइजेज इंक्रीज होने से क्या होता है वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है कि मनी से आप कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं मान लीजिए एक रुपये है एक रुपये से अगर हम नाइन्टीज की बात करें तो आप ज़्यादा सामान खरीद सकते थे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते थे अब क्योंकि चीज़ों की प्राइजेज इंक्रीज हो गए हैं तो अब एक रुपए से आप उतनी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद सकते जितनी पहले खरीद सकते थे तो पहले एक रुपए की जो वैल्यू थी अब वो एक रुपए की उतनी वैल्यू नहीं है तो प्राइजेस इंक्रीज होने से क्या होता है मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो इंक्रीज होगी उससे प्राइजेज इंक्रीज होंगे और प्राइजेज इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ़ मनी कम हो जाएगी तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ़ मनी में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है यानी क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ होगी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगी और इसी तरह हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइजेस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है ओके तो इसे हम थ्योरीज ऑफ़ वैल्यू ऑफ़ मनी भी कहते हैं अब ये वैल्यू ऑफ मनी थ्योरी जो है ये अलग अलग टाइप से अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी थी एक थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो हम क्लासिकल के केस में पढ़ते हैं यानी क्लासिकल ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी फिर आती है केन्स थ्योरी ऑफ मनी क्योंकि हमें पता है क्लासिकल के बाद नाइनटीन थर्टी सिक्स में केन्स आ गए थे तो केन्स ने अपनी केन्स थ्योरी ऑफ मनी दी थी उसके बाद केन्स के बाद पोस्ट केन्सन इकोनॉमि आए उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ मनी दी जिसमें हम बोमन्स अप्रोच पढ़ते हैं और टॉबिस् अप्रोच पढ़ते हैं और उसके बाद फ्रिडमेंट ने दी थी यानी कि मोनेट्रिस्ट ने दी थी फ्रिडमेंट थ्योरी ऑफ मनी तो हम मोनेट्रिस्ट का केस भी यहाँ पे पढ़ेंगे अब जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसमें दो पार्ट आते हैं एक आता है ट्रांजेक्शन अप्रोच एक आता है कैश बैलेंस और कैम्ब्रिज इक्वेशन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो ट्रांजेक्शन अप्रोच की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैश बैलेंस और कैम्ब्रिज इक्वेशन की जो कैश बैलेंस और कैम्ब्रिज इक्वेशन है इसे हम न्यू क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं क्योंकि जो इसे देने वाले इकोनॉमी थे वो कौन थे न्यू क्लासिकल थे मार्शल की बात कर ले हम फिगू की बात कर ले रॉबर्टसन की बात कर ले तो इन्होंने बात की थी कैश बैलेंस अप्रोच की यानी कि कैम्ब्रिज इक्वेशन की

बहुत पुरानी थ्योरी है एक लेकिन 1911 में इरविंग फिशर की एक बुक आई थी जिसका नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी में इरविंग फिशर ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात की थी तब से ये थ्योरी जो है ज़्यादा पॉपुलर हो गई है तो हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करें तो हम इरविंग फिशर का ही नाम लेते हैं तो इरविंग फिशर ने जो बात करी थी वो बात करी थी ट्रांजेक्शन अप्रोच की अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है कि देर इज़ अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल यानी क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है एंड एन इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है ठीक है सिर्फ इतनी सी बात कहती है क्वांटिटी ऑफ मनी जो कि मैंने आपको बता भी दिया क्वांटिटी ऑफ मनी अगर इंक्रीज होगी तो प्राइजेस इंक्रीज होंगे और प्राइजेस इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वैल्यू ऑफ मनी के बीच में भी नेगेटिव रिलेशन होता है तो प्राइजे इंक्रीज होंगे तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी वहीं पर प्राइजेज डिक्रीज होंगे तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की ट्रांजेक्शन अप्रोच की हम बात कर रहे हैं तो फिशर ने क्या कहा था इसे अभी छोड़ दीजिए ये डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे बेसिकली क्या कहना था कि वैल्यू ऑफ मनी इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी मनी की वैल्यू भी उसी तरीके से डिनोट की जा सकती है जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज की करते हैं यानी कि डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी से हम वैल्यू ऑफ मनी डिनोट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी तो वैल्यू ऑफ मनी कब डिनोट की जा सकती है जब डिमांड फॉर मनी इक्वल होगी सप्लाई ऑफ मनी के लिए अब इसके लिए जो इरविंग फिशर ने इक्वेशन दी थी उन्होंने दी थी ये कि डिमांड फॉर मनी है पी और सप्लाई ऑफ मनी है एम बी यहाँ पे पी क्या है पी है हमारा एवरेज प्राइस लेवल टी क्या है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एम क्या है हमारा मनी इन सर्कुलेशन एंड वी क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या फिर कह लीजिए वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन अब देखिए मान लीजिए टोटल ट्रांजेक्शन हो रही है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो हो रही है चार टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में मूव कर रही हैं या फिर कह लीजिए छह टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में मूव कर रही हैं अब उनका प्राइस कितना है मान लेते हैं उसका प्राइस है दस रुपये हर गुड का प्राइस है दस रुपये और छह टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज इकॉनॉमी में मूव कर रही है ठीक है जिनकी सेल हो रही है अब इरविंग फिशर ने जो बात की थी ये गुड्स एंड सर्विसेज की ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं थी इसमें इंटरमीडिएट गुड्स भी आ रही थी और इसमें फाइनल गुड्स भी आ रही थी ठीक है ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स दोनों की बात इसमें हो रही थी तो टोटल हमें मनी की जरूरत कितनी पड़ेगी इस ट्रांजेक्शन के लिए साठ रुपए की जरूरत है इकोनमी में हमारे हाइपोथेटिकल हम मान रहे हैं सिक्सटी रुपीज की जरूरत है वहीं पे हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मनी इकोनॉमी है तीन यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मान लीजिए एक साल में मनी जो है तीन हाथों से होकर गुजरती है तो इसका मतलब है मनी इन सर्कुलेशन कितनी हो गई ट्वेंटी हो गई ठीक है वहीं पे अगर वेलोसिटी ऑफ मनी फोर होती तो मनी इन सर्कुलेशन कितनी होती 15. अब इसका मतलब क्या है शायद आपको ये समझ नहीं आया होगा देखिए इकोनॉमी में मान लीजिए ट्वेंटी रुपीज है अब हमारे कंज्यूमर एक साथ तो सब गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने नहीं जाते ठीक है मान लीजिए हमारे पास तीन कंज्यूमर है ओके एक कंज्यूमर ने इससे गुड्स ली बी से कितने रुपए दिए उसको बीस रुपए दिए ये आगे गया इसने इससे गुड्स ली इसने इसको कितने रुपए दिए बीस रुपए दिए ओके फिर इसने आगे गुड्स ली होगी तो इसने इसको कितने रुपए दिए होंगे बीस रुपए दिए होंगे ऐसे ही मनी मूव करेगी तो एक बीस रुपए से आप अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं तो हम यहाँ पे चल, मान के चल रहे हैं कि अगर तीन बार मनी जो है एक बीस रुपए जो है तीन बार हैंड चेंज करते हैं किसी इकोनॉमी में तो हम साठ रुपए की चीज़ उससे खरीद लेते हैं उसी तरह अगर पंद्रह रुपए की बात करें अगर वेलोसिटी ऑफ मनी चार है मान लीजिए चार बार कोई पैसे जो है वो हैंड चेंज करते हैं तो इसका मतलब है कि पंद्रह रुपए से आप साठ रुपए की चीज़ खरीद सकते हो एक पर्सन किसी से पंद्रह रुपए की चीज़ लेगा फिर वो दूसरे से पंद्रह की लेगा तीसरे से पंद्रह की लेगा चौथे से पंद्रह की लेगा तो एक साल में मान लीजिए चार बार मनी हैंड चेंज करती है तो हम कह सकते हैं ये पंद्रह रुपए एक साल में साठ रुपए की चीज़ खरीद सकते हैं वहीं पे अगर ये वेलोसिटी ऑफ

बात पे क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि ये तो नॉर्मल टूरिज्म है यानी कि ये नॉर्मल बात है कि डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी की इक्वल होगी यानी कि जितनी ट्रांजेक्शन के लिए पैसा चाहिए उतना ही सर्कुलेट में होगा तो इसलिए हम इसे भी भी बोलते हैं तो यहां पे आप इक्वल वाले बार भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से टूरिज्म है कि डिमांड फॉर मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी होगी यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है कि हम मनी की डिमांड कर किस चीज के लिए रहे हैं ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हैं ये चीज याद रखिएगा हम मनी की डिमांड यहाँ पे किस लिए कर रहे हैं ट्रांस ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्लासिकल ने किस पे फोकस किया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी पे फोकस किया है हमें पता है मनी के कई फंक्शन होते हैं मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होती है यूनिट ऑफ वैल्यू भी होती है यानी कि चीज़ों का प्राइस मापने के लिए भी यूज़ की जाती है स्टोर ऑफ वैल्यू भी होती है ठीक है तो मनी के कई फंक्शन होते हैं यहाँ पे इन्होंने किस पे फोकस किया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन पे फोकस किया है कि हम मनी का यूज़ किस लिए करते हैं सिर्फ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो यहाँ पे अभी तक हमने दो बातें जान ली एक चीज क्या जानी हमने कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंटरमीडिएट गुड की बात भी हो रही है प्लस फाइनल गुड्स की बात भी हो रही है ओके दूसरी चीज़ हमने जानी कि मनी की जो डिमांड है वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ही की जा रही है ठीक है ताकि हम उससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकें तीसरी चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा कि क्लासिकल ने क्या माना था कि ये ट्रांजेक्शन जो है यानी टी जो है टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है ट्रांजेक्शन क्यों कांस्टेंट रहती है क्योंकि हमें पता है कि क्लासिकल ने किसकी बात की थी क्लासिकल ने बात की थी फुल एम्प्लॉयमेंट की तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम रहेगी टोटल नंबर ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होंगी चाहे इंटरमीडिएट है चाहे फाइनल है वो कांस्टेंट रहेंगी ठीक है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी कांस्टेंट रहेगी यानी कि मनी कितने हैंड्स को एक बार में चेंज करती है साल में वो भी कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ठीक है क्लासिकल का मानना था कि ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में वेजेस जो हैं वर्कर को वो वीकली मिलते हैं वो मंथली मिलते हैं या क्वार्टरली मिलते हैं या डेली मिलते हैं अगर किसी को डेली वेजेस मिलेंगे तो डेली जो है मनी हैंड चेंज करेगी ठीक है वीकली मिलेंगे तो वो एक हफ्ते बाद खर्चा करेगा तो वीक के बाद वो मनी हैंड चेंज करेगी ठीक है तो एक तो इस चीज पर डिपेंड करता है दूसरा बैंकिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है ठीक है आपका बैंकिंग सिस्टम कैसा है तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर पे जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है तो ट्रांजैक्शन एंड वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी और अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर मनी सप्लाई को आप इंक्रीज करोगे तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे मनी सप्लाई एंड प्राइजेस के बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशन है गिवन दैट ट्रांजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट ओके okay, तो अब हम डेफिनेशन पर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिशर द लेवल ऑफ प्राइज इज डायरेक्टली विद द क्वांटिटी ऑफ मनी लेवल ऑफ प्राइज इज डायरेक्टली विद द क्वांटिटी ऑफ मनी प्रोवाइडेड द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड नॉट चेंज वेलोसिटी ऑफ 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 सर्कुलेशन मनी एंड वॉल्यूम ट्रेड डू नॉट चेंज तो ये बात करी थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में ठीक है यानी कि फिशर की ट्रांजेक्शन अप्रोच की बात करें तो वो बात करता है डिमांड फॉर मनी इक्वल होगी सप्लाई ऑफ मनी के और टी जो है और वी जो है ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहेगी और अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ाने से प्राइजिस बढ़ जाएगा और हमें पता है प्राइजिस लेवल बढ़ाने से वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो मनी इन सर्कुलेशन और प्राइस लेवल के बीच में क्या रिलेशन आ गई डायरेक्ट रिलेशन आ गई तो एक सिंपल सा डायग्राम है कि अपवर्ड स्लोपिंग कर बनेगी यहां कि प्राइजेज इज ए ओके तो जैसे ही मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीज होगी प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा अब नेक्स्ट चीज जो यहां पे देखने वाली है देखिए बहुत बार आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी देखते हैं इसका क्या मतलब है देखिए यहां पे जो हम मनी इन सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं इसमें कॉइन्स भी आ रहे हैं प्लस नोट्स भी आ रहे हैं ठीक है लेकिन इस फिशर के ट्रांजेक्शन वर्जन को अपडेट कर दिया गया था अपग्रेड कर दिया गया था और उसमें क्या ऐड कर दिया गया था? नोट्स एंड कॉइन के साथ साथ बैंक मनी को ऐड कर दिया गया मनी की बात कर रहे थे मनी इन सर्कुलेशन एंड कॉइन यहां पे बैंक मनी की बात कर रहे हैं बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में, ओके? इसे हम क्रेडिट मनी भी कहते हैं क्रेडिट मनी भी कहते हैं और यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि ये मनी इन सर्कुलेशन एंड बैंक मनी का प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहेगा क्लासिकल ने क्या माना था कि ये मनी इन सर्कुलेशन यानी नोट्स एंड कॉइंस और बैंक मनी का प्रोपोर्शन जो है सेम रहता है यानी कि अगर नोट्स एंड कॉइन इकोनॉमी में डबल हो गए तो बैंक मनी भी इकोनॉमी में डबल हो जाएगी बस ये इतनी सी बात इसमें अलग से याद रखने वाली है तो अगर आपको कभी दे दिया जाए कि ट्रांजेक्शन अप्रोच क्या होती है पीटी इज इक्वल टू में एमवी या प्राइस इज इक्वल टू में एमवी अपॉन में टी तो ये बिल्कुल सही है या फिर अगर आपको ऐसे दे दिया जाए पीटी इज इक्वल टू में एमवी प्लस एम डश वी डश तो ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे आप प्राइस को किसके इक्वल लिखेंगे एमवी प्लस एम डश वी डश अपॉन में ट्रांजैक्शन तो ये थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की ट्रांजैक्शन अप्रोच इसके बाद इसमें एक चेंज लाया गया और इसका आया इनकम वर्जन अब इनकम वर्जन लाने की हमें जरूरत क्या क्यों पड़ी देखिए टोटल अमाउंट ऑफ को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि यहां पे हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की बात कर रहे थे इसको चेंज कर दिया गया पी वाई वाई से और यहां पे एम वी ठीक है क्या था वाई था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बस इतना सा चेंज आया ये याद रख लीजिएगा इनकम वर्जन में टी की जगह आप वाई यूज करेंगे और ये एम वी रहेगा इनकम वर्जन और में में सिर्फ इतना सा है Transaction version में आप इंटरमीडिएट गुड्स दोनों की बात कर रहे हैं यहां पे आप सिर्फ final goods and services की बात कर रहे हैं क्योंकि ये income भी है इसे हम रियल इनकम कह लीजिए आप या फिर आप इसे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कह लीजिए टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कह लीजिए और हमें पता है जब रियल इनकम को आप प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके बाद नॉमिनल इनकम आ जाती है ओके तो अगर आपसे पूछे कि ये टर्म लेफ्ट साइड में जो है ये नॉमिनल इनकम है कि रियल इनकम है तो ये नॉमिनल इनकम है अगर ये वाई आपसे पूछे तो ये रियल इनकम है ये याद रखिएगा डिफरेंस याद रखिएगा कई बार कंफ्यूज आता हैं वो पूछ लेते हैं कि इनकम वर्जन में जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है या जो राइट right साइड में दिया हुआ है वो रियल इनकम है कि मॉनिटरी इनकम है तो वो मॉनिटरी इनकम है लेकिन ये वाई जो है ये रियल इनकम है जब हम रियल इनकम को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास मनी इनकम आती है ठीक है तो ये हो गई इनकम वर्जन की बात अब हम बात कर लेते हैं इस थ्योरी की एजम्पन्स क्या है क्योंकि हर थ्योरी किसी ना किसी एजम्पन्स पे चलती है यहाँ पे जो एजम्सन है पहली एजम्सन है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मैंने आपको बताया वेलोसिटी जो है वो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर पर डिपेंड करती है यानी कि आपकी इकोनॉमी में वेजेस जो हैं वो कितनी फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या फिर इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम कैसा है तो ये फैक्टर पर डिपेंड करेगी इसीलिए ये कांस्टेंट रहती है दूसरी इसके एज्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि क्लासिकल की बात हम कर रहे हैं तो क्लासिकल के केस में फुल एम्प्लॉयमेंट रहने वाली है तो ये बात बिल्कुल ठीक है यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का केस रहेगा एम्प्लॉयमेंट कम ज्यादा नहीं होगी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए एकदम फिर फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम द्वारा आ जाएंगे कॉन्स्टेंट टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन ये टी की हम बात कर रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा इकॉनमी में अब ऑफ कोर्स फुल एम्प्लॉयमेंट है तो टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा नेक्स्ट बात है कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिटवीन एम एंड एम डेस ये मैंने आपको बता दिया एम एंड एम डेस यानी कि हमारे नोट्स एंड कॉइन एंड बैंक मनी का प्रोपोर्शन जो है सेम रहता है अगर एम इकॉनमी में डबल हो रहा है तो एम डेस भी इकॉनमी में डबल हो जाएगा इनका प्रोपोर्शन जो हमेशा सेम रहेगा नेक्स्ट है मनी सप्लाई इज ऑटोनॉमस ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल मनी सप्लाई जो होती है वो प्राइस लेवल के ऑटोनॉमस होती है ये चीज थोड़ी जानने वाली है देखिए हमें पता है पीटी इज इक्वल टू में एम वी है टी कॉन्स्टेंट है वी कॉन्स्टेंट है मनी सप्लाई सर्कुलेशन इन मनी इंक्रीज होगा तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे ठीक है लेकिन क्या प्राइजेस के इंक्रीज होने से मनी सप्लाई पे फर्क पड़ेगा नहीं ये इन्होंने नहीं बोला था इन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे तो मनी सप्लाई इज ऑटोनॉमस ऑफ चेंज इन प्राइज लेवल मनी सप्लाई पे चेंज इन प्राइज लेवल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो याद रखिएगा प्राइजेस पे मनी सप्लाई का फर्क पड़ रहा है पर मनी सप्लाई पे प्राइजेस का फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है तो मनी सप्लाई इज ऑटोनॉमस ऑफ प्राइज लेवल और ये मनी सप्लाई क्या है इसका मतलब कि एक्सोजीनियस डिटरमाइंड है यानी कि फंक्शन डिटरमाइंड कर रहा है मनी सप्लाई जो है एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करती है तीसरी चीज इसका मतलब ये भी है कि प्राइजेस जो हैं वो पैसिव फैक्टर है प्राइजेस जो हैं वो पैसिव फैक्टर हैं ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे किसी चीज को यहां पे ना ट्रांजेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना वेलोसिटी को ना मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो कि एक क्रिटिसिज्म भी हुआ था इनका इस बेस पे क्योंकि प्राइजेस हमें पता है ट्रांजैक्शन को भी चेंज कर सकते हैं मनी सप्लाई को भी चेंज कर सकते हैं लेकिन इन्होंने क्योंकि ऐसा नहीं माना तो इस वजह से इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था बट याद रखिएगा ये इसकी एजम्शन है जो कि आपको याद रखनी है ये कंसिडर करती है बोथ फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स को ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स दोनों की बात होगी लेकिन अगर हम इनकम वर्जन की बात करें तो इनकम वर्जन में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी तो याद रखिएगा एक तो इन्होंने बात करी थी ट्रांजेक्शन की यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन पे इन्होंने फोकस किया है मनी के ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पहली चीज ये आपसे पूछा जाएगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन की बात कर रहे हैं स्टोर फॉर वैल्यू फंक्शन की बात कर रही है फिशर की अप्रोच या दोनों की बात कर रही है तो याद रखिएगा एक तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रही है दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनकम वर्जन में जो ये वाई है ये रियल इनकम है या नॉमिनल इनकम है तो याद रखिएगा ये हमारी रियल इनकम है तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रही है इनकम वर्जन जो है या फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं जबकि यहाँ पे हम इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स दोनों की बात कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट मनी सप्लाई इज ऑटोनोम ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल ओके यानी कि मनी सप्लाई पे प्राइस लेवल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है याद रखिएगा और इसका मतलब ये भी है कि प्राइस इज पैसिव फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है या आपने याद रखनी है यानी प्राइजेज यहाँ पे किसी चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं अब ये तो होगी एजमशन की बात तो इसके क्रिटिसिज्म को भी हम देख लेते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म किस किस बेस पे हुआ था तो क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो क्रिटिसिज्म इसका एक इस पहली बात पे हुआ था स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी को इसने इग्नोर कर दिया कि स्टोर ऑफ वैल्यू का भी तो मनी का फंक्शन होता है तो उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया यानी मनी जो है लोग सेविंग के लिए भी यूज करते हैं ओके सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं करते सेविंग के लिए भी डिमांड करते हैं स्पेक्युलेटिव फंक्शन के लिए भी डिमांड करते हैं मनी की प्राइजेस लेवल ऑल्सो अफेक्ट ट्रांजेक्शन ये मैंने आपको बताया प्राइजेस जो है वो ट्रांजेक्शन को भी तो इफेक्ट करेंगे प्राइजेस का ट्रांजेक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा तो ये भी इन्होंने जो है इग्नोर कर दिया था इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के इफ़ेक्ट को भी इग्नोर कर दिया था क्योंकि हमें पता है जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है और जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है लोग बॉन्ड्स की डिमांड करते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स खरीदते हैं और जब लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉन्ड्स का प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे और बॉन्ड्स के प्राइजेस इंक्रीज़ होने से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा क्योंकि हमें पता है बॉन्ड प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं हम केन्स के केस में पढ़ते हैं ठीक है तो जब बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है ठीक है फम्स जो हैं ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ जाती है इनकम बढ़ने से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो याद रखिएगा कि मनी सप्लाई और प्राइजेस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो इन्होंने बताया पर इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि मेन फंक्शन है उसको इग्नोर कर दिया और ये एक और चीज याद रखी ये प्राइजेस जो यहाँ पे बात हो रही है बॉन्ड के प्राइजेस की बात हो रही है ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस की बात हो रही है ठीक है तो मनी सप्लाई एंड प्राइजेस के बीच में आप डायरेक्ट रिलेशन बता रहे हैं बट आप बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट के इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म हुआ था वेलोसिटी मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल ये बहुत इंपॉसिबल होता है कि आप वेलोसिटी मेजर कर सके ठीक है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कितनी हैंड्स चेंज करती है मनी हमारी इकॉनमी में ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है तो इस बात पे भी इसका क्रिटिसिज्म हुआ था नेक्स्ट क्रिटिसिज्म था कि नॉन मॉनेटरी फैक्टर आल्सो इफेक्ट प्राइस लेवल जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनी सप्लाई से प्राइस लेवल इफेक्ट हो रहा हो नॉन मोनिट्री फैक्टर यानी कोस्ट पुश इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें इकॉनमी में अगर मान लीजिए डीजल या पेट्रोल की प्रोडक्शन कम हो जाती है डीजल एंड पेट्रोल की प्रोडक्शन कम होने से इनका प्राइजेस बढ़ जाएंगे ठीक है अब डीजल एंड पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हर चीज का कॉस्ट बढ़ जाएगा और हर चीज का कॉस्ट बढ़ जाएगा इसका मतलब कि हर चीज के प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो नॉन मॉनेटरी फैक्टर भी इसमें यहां पे रोल प्ले करते हैं जो जो कि इन्होंने इग्नोर कर दिया था नेक्स्ट है इट इज ए स्टैटिक थ्योरी नो टाइम लैग यानी ये बात कर रहे हैं कि आप मनी सप्लाई इंक्रीज करिए प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे कितना टाइम लगेगा क्या प्रोसेस रहेगा कोई बात नहीं की गई जैसे मैंने आपको बताया बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट इनकम डिमांड ये जो बीच वाला एरिया ये सब इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया ठीक है तो ये सब था इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म आई होप आप लोगों को ये पूरी थ्योरी जो है वो समझ में आ गई होगी एक बार फिर इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम सबसे पहले मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ मनी डिमांड को थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं इसमें अलग अलग वर्जन होते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी केंस थ्योरी ऑफ मनी पोस्ट कैंशन पोस्ट कैंशन में हमारे बोमल और टोबिन आ जाते हैं फिर आई थी फ्रेडमेंट रिस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और हमें पता है फ्रीडम एंड मोनीटर्स थे तो हम बेसिकली क्लासिकल केन्शियन पोस्ट कैंशियन एंड मोनीटर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं अब क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी के दो वर्जन थे ट्रांजैक्शन अप्रोच और कैश बैलेंस या कैम्ब्रिज इक्वेशन जिसे हम न्यू क्लासिकल वर्जन भी कहते हैं ठीक है तो इसमें हम मार्शल पिगू और रॉबर्टसन की बात करते हैं जो कि हम इस वीडियो में नहीं कर रहे ठीक है ट्रांजेक्शन अप्रोच दो टाइप की थी एक थी ट्रांजेक्शन अप्रोच दूसरा इसका इनकम वर्जन भी आया था एक ओके इसकी बात हमने इस वीडियो में करी फिर मैंने आपको बताया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है कि मनी के बीच में और प्राइजेस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है जबकि क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है ओके okay. फिर हमने ट्रांजैक्शन अप्रोच की बात करी यानी फिशर ने हमें दी थी 1911 में द परचेजिंग पावर ऑफ मनी बुक जब इनकी आई थी जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि प्राइजेज एंड क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा प्रोवाइडेड द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डू नॉट चेंज यानी इसको और इसको अगर आप कॉन्सटेंट रखें तो प्राइजेज और मनी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है ये हमने बात करी ये हमने इसके डायग्राम की बात करी इसका एक और वर्जन था जब इसको मॉडिफाई किया गया तो हमने इसको नोट्स एंड कॉइन्स को अलग कर दिया बैंक मनी को अलग कर दिया यानी कि इस पोर्सन को हमने क्रेडिट मनी का नाम दिया ओके यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं तो इन पे फोकस करिएगा इसके बाद जो आई वो आई इनकम वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जिसमें वाई क्या था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रांजैक्शन किसकी हो रही थी इंटरमीडिएट गुड्स की ट्रांजेक्शन भी हो रही थी और फाइनल गुड्स की ट्रांजेक्शन भी हो रही थी यहाँ पे क्या ले लिया हमने यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विस ले ली ओके उसके बाद हमने इसके एजम्पशन की बात करी कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि टी कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिटवीन एम एंड एम डेस यानी कि नोट्स एंड कोइंस जो हैं और जो बैंक मनी जो है इनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा नोट्स एंड कॉइन इकोनॉमी में डबल हो रहे हैं तो बैंक मनी भी डबल हो जाएगी मनी सप्लाई इज ऑटोनॉमस ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल इधर से हमने तीन बातें निकाली थी कि मनी सप्लाई जो है उस पर प्राइस लेवल का को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यानी मनी सप्लाई जो है वो एक्जोजीनियस डिटरमाइंड है दूसरा प्राइजेस जो है वो पासिव पैसिव फैक्टर है। ठीक है वो एक्टिव फैक्टर नहीं है क्योंकि उनका किसी भी चीज़ पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना ट्रांजेक्शन पे ना मनी सप्लाई पे ना वेलोसिटी पे ठीक है नेक्स्ट चीज़ हमने फाइनल या इंटरमीडियट कुर्स दोनों की बात करी थी इसके बाद हम क्रिटिसिज्म पे आते हैं तो क्रिटिसिज्म में मैंने आपको बताया कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को इग्नोर कर गए इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि प्राइस लेवल का ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जबकि ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट पड़ता है प्राइस लेवल का इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के इफेक्ट को इन्होंने, इन्होंने इग्नोर कर दिया कि आप मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं डायरेक्ट प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रोल प्ले करता है उसको आपने इग्नोर कर दिया वेलोसिटी मेजरमेंट बहुत इंपॉसिबल चीज है कि आप मेज़र कर सकें कि एक इकॉनमी में मनी जो है कितने हैंड चेंज करती है ये फैक्टर जो है मेजर करना मुश्किल था इसलिए इनका क्रिटिसिज्म हुआ फिर उन्होंने नॉन मॉनेटरी फैक्टर आल्सो अफेक्ट प्राइस लेवल इस चीज़ को इग्नोर कर दिया फिर उनका ये भी बताया गया कि मनी सप्लाई आप इंक्रीज कर रहे हैं तो प्राइजेस इंक्रीज़ एक साथ होंगे कि टाइम लगेगा टाइम लैग की इन्होंने कोई बात नहीं करी इसलिए इसे स्टैटिक थ्योरी का भी नाम दिया गया तो ये सब था इसका क्रिटिसिज्म आई होप आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आ गई होगी अगर नहीं समझ में आई है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चंस। मिलते हैं कैश बैलेंस अप्रोच में तब तक तो बी सेफ कीप लर्निंग जय हिंद धन्यवाद